गाइस आज कुछ घंटे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था नोकिया 6.1 प्लस में जो लेटेस्ट अपडेट आया है एंड्रॉइड 10 का, इस अपडेट के बारे में क्या चेंजेस देखने को मिला इस अपडेट के बाद। तो गाइस जब भी इस तरह का कोई वीडियो शेयर किया जाता है तो दूसरे मॉडल्स वाले, दूसरे स्मार्टफोन यूजर्स भी पूछते हैं उनके डिवाइस को एंड्रॉइड 10 का अपडेट कब मिलेगा। आज भी बहुत सारे सवाल आए नोकिया 5.1, नोकिया 6.1 या एसुस मैक्स प्रो M1 को एंड्रॉइड 10 का अपडेट कब मिलेगा। तो गाइस जब भी इस तरह का कोई सवाल आता है तो मैं आंसर देता हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला तो शेयर कर दूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पास जब वो स्मार्टफोन नहीं होता है तो आप भूल जाते हो, अपडेट आता है चला जाता है और इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाता मैं। तो गाइज आज से मैंने सोचा जब भी कोई भी अपडेट आए और मेरे पास अगर उसका इन्फॉर्मेशन आ जाए तो मैं तुरंत आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, चाहे मीडियम कोई सा भी हो, यानी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दूँ या फिर कम्युनिटी पेज पर जाकर लिख दूँ। आज हम बात करेंगे MIUI 11 अपडेट्स के बारे में, कौन कौन से स्मार्टफोन को इन कुछ दिनों के अंदर यानी 3-4-5 दिनों के अंदर कौन कौन से स्मार्टफोन्स को लेटेस्ट अपडेट देखने को मिला है और ये एंड्रॉइड 9 बेस्ड है या फिर एंड्रॉइड 10 बेस्ड है। गाइज ये जो टेलीग्राम ग्रुप है ना MIUI 11 अपडेट्स, आप इसको फॉलो कर लेना, आपको लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Redmi Y2 एंड S2 से। Redmi Y2 एंड S2 को ग्लोबल स्टेबल वर्जन 11.0.3.0 अपडेट देखने को मिल गया है एंड अगर आप 11.0.2 में हैं तो आप OTA भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप ओल्डर वर्जन में हैं आप चाहो तो फुल रिकवरी रोम भी फ्लैश कर सकते हो और ये एंड्रॉयड 9 बेस्ड है। अब बात करते हैं गाइज Redmi Note 7 और 7S के बारे में। Android 10 20.1.7 चाइना बीटा रोम का लिंक है ये, यानी Android 10 आपको इस अपडेट के बाद देखने को मिल जाएगा, लेकिन गाइज अगर आपने इसे अपडेट नहीं किया है तो आपको बता दूं कि इसके बाद एक और अपडेट आया है बिल्कुल नीचे आपको देखने को मिल जाएगा Redmi Note 7 7S के लिए Android 10 बेस्ड 20.1.8, यानी पहले था 20.1.7 अब आपको देखने को मिल जाएगा 20.1.8। ओके फुल रिकवरी रोम है, चाइना बेटा रोम। नोट 8 प्रो है तो आपके पास दो न्यूज़ है, एक अगर आपको एंड्रॉयड 10 बेस्ड रोम चाहिए तो आपके पास चाइना स्टेबल 11.0.1 है एंड गाइस ये चाइना स्टेबल है आपको बता दूं तो आपका बूट लोडर अनलॉक्ड होना चाहिए, कस्टम रिकवरी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ओके एंड दूसरा अपडेट है ये इंडिया स्टेबल है, अगर आपको गाइस ये अपडेट नहीं मिला तो आप यहां से OTA डाउनलोड करके भी अप्लाई कर सकते हैं एंड आप चाहो तो फुल रिकवरी रोम भी फ्लैश कर सकते हो 11.0.4। मैं आपको बता दूं कि इंडिया स्टेबल में आपको एंड्रॉयड 9 ही देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप चाइना स्टेबल इंस्टॉल करते हो तो आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट MIUI 11 के साथ। अब गाइस Redmi 7 ग्लोबल स्टेबल वर्जन 11.0.3.0 OTA, अगर 11.0.2.0 में हो आप तो आप OTA अप्लाई कर सकते हो, फुल रिकवरी भी फ्लैश कर सकते हो एंड नीचे आपको देखने को मिल जाएगा Redmi Note 8 ग्लोबल स्टेबल रोम 11.0.4.0। ओके अगर आप 11.0.3.0 में हो तो आप OTA अप्लाई कर सकते हो और उसके नीचे आपको फुल रिकवरी रोम देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस साथ में आपको Redmi 6 के लिए भी ग्लोबल स्टेबल रोम देखने को मिल जाएगा 11.0.2.0 एंड्रॉयड 9 बेस्ड, OTA एंड फुल रिकवरी दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इस ग्रुप को फॉलो करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।